नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कढ़ाई पनीर बनाने का बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया और कुछ सौंफ डालेंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 से 2 मिनट इसको लो फ्लेम में चलाएंगे। अब हम डालेंगे 2 पिसा हुआ टमाटर। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच शक्कर डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक हम ढककर मसाले को पकने देंगे। मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और कैप्सिकम को बड़े पीसेस में काट के डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें पनीर पीसेस को ऐड करेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे हम और 2 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। कढ़ाई पनीर अभी बन के रेडी है और दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह आप एक बार कढ़ाई पनीर बनाकर जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।